ध्यान रखिए, भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कीजिए, जो बिल्कुल तैयार रखिए आपकी, तुरंत लग जाएगी और अच्छी लगेगी। अगला मेल जो हमारे पास है वो मनोज जैन का है। मनोज जैन जी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर, और 1964, 19 नवंबर 1964 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और समय है, जन्म समय है 4:15, शाम का समय है। ये कहते हैं तबीयत खराब रहती है, काम नहीं चलता, क्या किया जाए? मनोज जैन जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपकी तबीयत खराब रहती है और काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि भगवान के मंदिर में जब भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ चावल ज़रूर लेके जाएं। कम से कम चावल आप वहाँ पे ज़रूर ले जाएं, ऐसा ना हो कि खाली हाथ चले जाएं। वैसे खाली हाथ जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके पर्टिकुलर इस केस में मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसमें चावल लेके जाएंगे तो आपकी जल्दी ये समस्याएँ हल होनी शुरू हो जाएंगी। भगवान अजीतनाथ का स्मरण करें, और साथ ही किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो भी आप पे बने उस हिसाब से कुछ भी दान दीजिए। तो खुद जाकर के अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे की जो गुल्लक होती है उसके अंदर 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो और आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको 1000 रुपये जमा डालने हैं या 2000 डालने हैं, भले ही आपकी पॉकेट अलाउ करे या नहीं करे, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना, और जो श्रद्धा बनती है उस हिसाब से आप किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप वहाँ की गुल्लक में डाल दीजिए जो भी आपकी श्रद्धा हो। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी आपको, जब जैसे ही मंदिर में आप अजीतनाथ भगवान का स्मरण करेंगे, आपको धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी जो ये तबीयत है इसके लिए कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसे बानक बन जाएंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप विश्वास के साथ अजीतनाथ भगवान का स्मरण कीजिए। तो मनोज जैन जी, जैसा कि आपने देखा कि आपने क्या करना है, तो दान दीजिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाइए और दान दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो सर ने कहा उसका पालन कीजिए, आपका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा। सर, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वास्तु से संबंधित है, और वास्तु के क्वेश्चन में संजय जैन ने मेल किया है, और ये कहते हैं कि घर के दरवाजे पर अगर स्वास्तिक बनाया जाए तो ये सही होगा या नहीं? संजय जैन जी, जैसे कि आपने पूछा है कि स्वास्तिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आप इस यहाँ पर अपने गेट पर या दरवाजे पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी प्रकार की शुभ ही होती है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति को हम लोग मना जरूर करते हैं, बाकी स्वास्तिक या ओम यदि किसी ने लिखा है तो वो मतलब बना सकते हैं। तो संजय जैन जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या नहीं, जरूर बनाइए, बहुत ही लाभ होगा आपको। सर, अगला क्वेश्चन है वो राकेश जैन मध्य प्रदेश से पूछते हैं। इनका कहना है कि हमारी कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। राकेश जैन जी, ऐसा कि आपने बताया कि कमाई बहुत है पैसा टिकता नहीं है, इसकी दो वजह हो सकती हैं। मुझे लगता है कि या तो आपके घर के अंदर पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, या नालियाँ में पानी अपने आप ही बहता रहता है, कुछ लीकेज वगैरह होगी, इस टाइप की जो कंडीशन आती है उस कंडीशन में इस तरीके की बात आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में जब भी कोई आगंतुक आता है या मेहमान आता है तो उसके लिए आप कोशिश करें कि पानी के साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ दें। जैसे क्या होता है आमतौर पर कि गर्मियों के दिन है या कभी भी कोई होता है कि आया कोई मेहमान, आए पानी पिला दिया, काम खत्म। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप पानी का सेवन कम कराएं और उनको जो शरबत वगैरह होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है, इस टाइप की चीज़ जो पानी का रंग बदल जाए, इस चीज़ से रोहबजा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई कोई भी चलेगी, या कोई शरबत हो गया, इस टाइप की आइटम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आप दें तो आपका जो ये पानी जो आपको बरकत नहीं हो रही है, आपका पैसा नहीं रुक रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है आपके पैसे में, कमाई अच्छी होने के बावजूद भी ये धीरे धीरे होने शुरू हो जाएगी। केवल पानी मत दें, अगर पानी दें तो साथ में उसके कुछ कुछ न कुछ जरूर दें, चाहे उसमें आप कोई कोल्ड ड्रिंक दें, जो भी चीज़ चाहे आप दे जी। बिल्कुल, तो राकेश जैन जी, आपने देख लिया कि आपने क्या करना है। अगर आपके यहाँ अतिथि आते हैं तो कहा गया है अतिथि देवो भवा,
तो उनका आप सत्कार कीजिए और उन्हें पानी कम दें, शरबत दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निसंदेह आपके पास पैसा टिकेगा और आपके पास भी पैसा और आमदनी दोनों बढ़ेगा। बंधुओं, अभी समय इशारा कर रहा है जाने को, लेकिन अगले अंक में हम फिर आएंगे और हमारे साथ होंगे ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं